हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर की, आर एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ आर डे टू डे लाइफ एंड इन टर्म ऑफ एग्ज़ाम ऑल्सो, क्योंकि इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आना ये ज़रूर है। हम एनवायरनमेंट को क्या समझते हैं? एक माहौल हमारे आसपास का कैसा है, किसी कमरे का माहौल कैसा है। हम कहते हैं ना, पॉजिटिव सी वाइब्रेशन आ रही है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, या अच्छा नहीं लग रहा इस कमरे में आके, अच्छा नहीं लगा, या इस मीटिंग में आके अच्छा नहीं लगा, या इस पार्टी में आके अच्छा नहीं लगा, दैट इज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट विच दैट इज़ कॉल्ड एज एम्बियंस। हम बात कर रहे हैं हमारी सराउंडिंग की। हमारी सराउंडिंग से मतलब है वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर दो फैक्टर्स आते हैं। पहले फैक्टर्स हैं आपके एबायोटिक और दूसरे फैक्टर्स हैं आपके बायोटिक, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कितनी तरह का वेस्ट मटेरियल है जो हमारे सराउंडिंग्स में है, हमारे एनवायरनमेंट में है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेस्ट। दीज वेस्ट कैन बी बायोडिग्रेडेबल एंड इट कैन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। हम देखेंगे इन दोनों से क्या इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों का एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनवायरनमेंट से हम एक और वर्ड को पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपस में इंटरैक्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ऑल दी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी आपकी सराउंडिंग्स। सो एनवायरनमेंट से आप सीधा लिख सकते हो हमारी सराउंडिंग्स। ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। सो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है बायोटिक, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा कंपोनेंट है एबायोटिक, राइट। यानी आपके अराउंड की सॉइल कैसी है, एयर कैसी है, वाटर कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, है ना वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं एबायोटिक में। लिविंग में क्या आते हैं? आपके प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे मिलके बनाते हैं आपका इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के अंदर आपको मालूम ही है हम अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं, करेक्ट। और उस इकोसिस्टम के अंदर हम लोग क्या इस एनवायरनमेंट को दे रहे हैं? वेस्ट। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा वेस्ट है, और ये वेस्ट दो तरीके का होता है। वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड अनदर वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बच्चों कौन सा होगा? दोज वेस्ट मटीरियल्स विच कैन बी डिकम्पोज और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
सो वो सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट। तो फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? ये हो गया बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होगा? ऑब्वियसली दोज वेस्ट मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस ईजिली। दोज वेज विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज ईजिली, द पॉइंट इज ईजिली इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, करेक्ट। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, दीज आर ऑल द केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द और ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल की एग्जांपल्स क्या लिखोगे? कुछ भी लिख सकते हो आप, सारा ऑर्गेनिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, या फिर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनीथिंग विच इज लिविंग, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, एनीथिंग विच इज लिविंग कैन बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मटीरियल पे काम करेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होंगे? मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक मटीरियल, पेस्टिसाइड्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक है, ये सब के सब हमने केमिकली बनाए हैं, करेक्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल की पहले बात करते हैं। व्हाट आर द हार्म्स? हार्म टू एनवायरनमेंट बाय, सबसे पहले कौन सा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल का तो हमें पता ही है नुकसान सबसे पहला क्या है। देखिए अगर सीवरेज होगा तो उसको चोक कर देगा, इट इज़ गोइंग टू चोक सीवेज। दूसरी चीज़ आप देखो, इट इज़ गोइंग टू पॉल्यूट सॉइल, इट इज़ गोइंग टू पॉल्यूट वाटर, करेक्ट। एंड अगर ये किसी ने खा लिया तो ऑब्वियसली उसको भी, इट कैन बी पॉइजनस ऑल्सो। इट कैन बी पॉइजनस फॉर ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट भी, एनिमल भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, तो पॉइजनस होंगे। तो दूसरा आपके पास क्या आ जाता है इसका ड्रॉबैक, बायोडिग्रेडेबल का देखते हैं। हम सोचते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है तो इसका तो कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए, मगर होगा। आप सोचिए अगर आपके घर के बाहर एक कूड़े का ढेर हम इकट्ठा कर दें एंड ऑल द बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट ही डाल दें तो कैसा लगेगा? फिल्दी, बिल्कुल फिल्दी लगेगा। सो क्यों फिल्दी लगेगा? एक तो वो गंदा लग रहा है देखने में, दूसरा क्या है, फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आती है। किचन में ही थोड़ी देर रख के देख लो, पता चल जाएगा आपको, है ना, फाउल स्मेल आती है। और क्लास 9 में आपने टॉपिक पढ़ा था व्हाई डू वी फॉल इल, उसी का टॉपिक है ये। अगर बायोडिग्रेडेबल सामान भी पड़ा है, फाउल स्मेल आ रही है, सोचिए बारिश आई, बारिश के पानी से बह के आपके पीने के पानी में आ गया, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज गोइंग टू स्प्रेड डिजीज, मक्खियां उसके ऊपर बैठेंगी, हाउस फ्लाइज, दे आर गोइंग टू कॉज द डिजीजेस। सो पैथोजेंस को एक जगह मिल गई, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखिए पेस्ट्स, इन सब हीप्स के अंदर पेस्ट्स जो होते हैं, दीज एक्चुअली ब्रीड, पेस्ट जो है दैट विल स्टार्ट ब्रीड इन सच प्लेसेस, तो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे जिसकी वजह से डिजीजेस स्प्रेड हो जाएंगे। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू एनवायरनमेंट। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक स्टेप है बच्चों, इकोसिस्टम के ऊपर भी एक चीज़ आती है। हमने क्या कहा, पहली बात इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज अ यूनिट जिसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स भी हैं और एबायोटिक भी हैं। वो एरिया जहाँ ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। राइट, जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बच्चों बायोम। तो ये डेफिनेशन कई बार पेपर में 1 मार्क की आई है। व्हाट इज अ बायोम, बिगर यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम, बिगर यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्राइजेज ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स इन अ जियोलॉजिकल एरिया। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आप एक जगह पे जाते हैं तो लेट अस से वी गो टू अ हिल स्टेशन, ठीक, वहाँ जंगल होगा, ए फॉरेस्ट, हो सकता है वहाँ कहीं आसपास कोई तालाब भी हो, कोई लेक होगी, अ पॉन्ड, अ लेक, करेक्ट, हो सकता है वहाँ कोई खेत होंगे, अ फील्ड। नाउ ये सारे के सारे, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, फील्ड, ये सब अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। यानी इस फॉरेस्ट के अंदर आप देखिए दोनों फैक्टर आपको मिलेंगे, बायोटिक भी मिलेगा, ए बायोटिक भी मिलेगा। ए बायोटिक में आप देख रहे हो ऑल थिंग्स आर देयर, वाटर है ना, इसके अलावा एयर, सॉइल, टेम्परेचर, सब चीज़ें हैं वहाँ पे। और बायोटिक में क्या है, यू सी बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, यू सी ह्यूमन बींग्स, ऑब्वियसली ट्राइब्स मिलेंगे हमें कहीं, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ हमें क्या मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। सो इसका मतलब वहाँ पे बायोटिक फैक्टर भी है और एबायोटिक भी है। सिमिलरली आप लेक या पॉन्ड किसी को भी देख लीजिए, आपको उसमें भी बायोटिक और एबायोटिक मिलेंगे। बायोटिक में क्या मिलेंगे आपको, हो सकता है आपको एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली बायोटिक में क्या कहते हैं, एबायोटिक में देखिए वाटर है, वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है या डिजॉल्व्ड गैसेस हैं, तो एयर भी आ गई, वाटर भी आ गया। एट द सेम टाइम वहाँ पे आपको मिट्टी, सॉइल भी मिलेगी, जो नीचे रेत है इन द फॉर्म ऑफ मड, वो भी मिलेगा। सो देखिए बोथ आर द कंप्लीट इकोसिस्टम, क्या नहीं, वहाँ पे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स दोनों हैं। सेम वेज आपको क्रॉप और फील्ड में भी मिलेंगे, एबायोटिक तो हम समझिए फील्ड में मिलेगा ही मिलेगा, बायोटिक में क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यू विल गेट एनिमल्स ऑल्सो, भले छोटे बड़े हों, यू विल गेट ह्यूमन्स ऑल्सो, प्लांट्स तो होंगे ही होंगे, करेक्ट। हाउ दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद अदर, देखिए फील्ड के अंदर देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटा यूज्ड एज मेन्योर, एनिमल एक्सक्रीटा यूज्ड एज मेन्योर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आपके अर्थवॉर्म्स, ठीक है, प्लांट्स आपके हैं। सो दीज आर द बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक में देखिए आपके पास अगेन सॉइल है, वाटर है, सन है ना, एयर है, ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पे। सो दीज आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद अच अदर। मैन्योर होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स होंगे तो एनिमल्स भी इसको खाने के लिए आएंगे। सो दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद अच अदर। जब ये सारे के सारे इकोसिस्टम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं या एक ही जगह पे मिलते हैं तो हम उसे इकट्ठे को क्या बोल देते हैं, देर इज अ बायोम। सो बायोम इज द कलेक्टिव यूनिट यूज फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स इन अ जियोलॉजिकल एरिया, करेक्ट। कुछ इकोसिस्टम्स के एग्जांपल देखते हैं, इकोसिस्टम कैसे बन रहा है, एक फूड चेन समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज आपको ये पता होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, है ना।
इकोसिस्टम के अंदर, हम एक इकोसिस्टम अगर लेते भी हैं तो वी विल टॉक अबाउट अ फूड चेन. अब दिमाग में आता है व्हाट इज़ अ फूड चेन. फूड चेन को कैसे डिफाइन करेंगे? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाइंडिंग अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाइंडिंग एनर्जी finding energy by eating the organisms, series of organisms finding energy by eating the organisms in lower level. या हम ये भी लिख सकते हैं a series of organisms series of organisms where energy is transferred from one level to the other finding where energy is transferred from one level to the other and organisms feed on one another. एक और तरीका है फूड चेन को एक सिंपल लैंग्वेज में लिखने का. ये तो हुआ एनर्जी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरा तरीका क्या है, हम सीधा लिखते हैं दैट फूड चेन contains various levels of organisms feeding on one another. ठीक है, इसे हम बोलते हैं food chain. So each level in a food chain is called trophic levels. और usually मैं पता है the primarily जो हमारे producers हैं वो कौन है? producers कौन है आपके? plants. क्योंकि और कोई है जो sunlight से energy बना रहा है? हमें पता है plants ने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है. इट इज गोइंग टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल ग्लूकोज इज बीइंग फॉर्म्ड. माने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, कंपोनेंट से हमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाया है. माने इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारे काम का है. इट इज़ बीइंग ईटन बाय एनिमल्स. सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग सभी किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं. सो प्लांट्स आर आर प्रोड्यूसर्स. किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर जब भी हम बनाएंगे सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस. सबसे नीचे क्या है आपके पास? प्लांट्स जो कि खाना बनाएंगे. और देखिए दिस इज़ अ पिरामिड ऑफ अ फूड चेन. सबसे नीचे प्लांट्स हैं, मतलब नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा. सो प्रोड्यूसर्स हैं आपके सबसे नीचे, दैट इज प्लांट्स, एंड दे आर मैक्सिमम इन नंबर, राइट? इन प्लांट्स को कौन खाएगा? सम एनिमल्स, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और दे डिपेंड ओनली प्लांट, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स. सो प्लांट्स को, सिर्फ प्लांट्स को कौन खाएगा? हर्बीवोर्स खाएंगे, राइट? अब हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? या तो हम डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे
या खाली हर्बीवोर्स को खाएंगे, यानी एनिमल्स को जो खाते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स के अंदर भी कैसे होगा, जैसे मान लो आपने प्लांट्स लिए, प्लांट्स को कौन खा रहा है, जैसे रैबिट ने खाया, ठीक है, रैबिट ने प्लांट्स को खाया, रैबिट को कौन खा जाएगा, दूसरा एनिमल खा जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें। एग्जांपल देखो, मान लीजिए प्लांट्स प्लांट्स ने खाना बनाया, प्लांट्स के ऊपर हर्बीवोर क्रैक हुआ, लेट अस से वी हैव ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खाएगा, फ्रॉग। अभी फ्रॉग को कौन खा जाएगा, स्नेक। तो स्नेक जो है वो भी तो कार्निवोर ही है, ठीक है। सो इसका मतलब प्राइमरी कार्निवोर्स, और उसके बाद एक और चेंज आ जाएगा आपका कार्निवोर्स के अंदर ही, विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स, करेक्ट। उसके बाद एक और कंज्यूमर आ जाएगा, नाउ दिस कंज्यूमर इज कॉल्ड एज टॉप कंज्यूमर। अब ये टॉप कंज्यूमर बच्चों कई तरीके का हो सकता है, इट कैन बी अ कार्निवोर ओनली, दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्निवोर, या टॉप कंज्यूमर और द फाइनल कंज्यूमर। दूसरा क्या हो सकता है, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब वो एनिमल को तो खाएंगे ही खाएंगे, प्लांट्स को भी खाएंगे, सो दिस इज ऑल्सो द टॉप कंज्यूमर। और ये कौन है, प्राइम एग्जाम्पल वी पीपल। हम लोग कुछ भी खाते हैं, बहुत ही जालिम लोग हैं हम लोग, है ना। सो वी ईट एवरीथिंग, जो भी मिल गया आ जा भैया चलते हैं। सो दिस इज वॉट इज द फूड चेन। अब आप ये देखो फूड चेन के अंदर ईच स्टेप पे, मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन लास्ट वन इज द फिफ्थ स्टेप। हर स्टेप पे आप देखो नंबर कम होता जा रहा है, इट इज गेटिंग टेपरिंग। सो इट मीन्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिड्यूसेस विद नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिड्यूसेस एज वी मूव बॉटम टू टॉप, करेक्ट। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। सो आप देखिए अब ऊपर वाले को तो कम ही खाना मिल रहा है ना, या तो ये ले लेगा, सिर्फ इसी को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर इनको कुछ हो गया तो ये तो बेचारा भूखा मर जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें चार पांच स्टेप लेते हैं। सबसे पहला आपका एक फूड चेन ले लेते हैं, लेट अस से प्लांट्स, प्लांट्स से ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, और स्नेक से ईगल, ठीक। स्नेक को ईगल ही खाएगा, हम तो कम ही खाते हैं। हाँ, ऑफिसर्स दे डू ईट, जो आपके आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या ट्राइब्स यूज करते हैं, बिकॉज उनके पास हमने कहा ओमनीवोरस होते हैं, कुछ भी खाते हैं हम लोग। प्लांट ने ग्रास हॉपर, प्लांट को खाया किसने, ग्रास हॉपर ने, ग्रास ने खाया ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग ने खाया फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया ईगल ने, करेक्ट। ओके, एक मिनट के लिए मान लेते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ से फ्रॉग जो है वो सदा ख़त्म हो गए, ठीक है। इन केस मान लेते हैं ये जो फ्रॉग है ये डेड हो गया, यानी कि ये वाला फूड चेन में से हमने माइनस कर दिया। व्हाट विल हैपन, पहली चीज़ ग्रास हॉपर बढ़ जाएंगे, ये इंक्रीज कर जाएगा, करेक्ट, और स्नेक रिड्यूस कर जाएंगे क्योंकि इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो फूड चेन डिस्टर्ब हो गई मेरी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए ग्रास हॉपर ही मार दिए हमने, है ही नहीं ग्रास हॉपर, वॉट विल हैपन, प्लांट्स को डायरेक्टली फ्रॉग तो खाएगा नहीं, सो प्लांट्स बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, और फ्रॉग को कुछ मिला नहीं खाने का, फ्रॉग मर जाएगा, सो अल्टीमेटली पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसे तो बड़ी गड़बड़ है। सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए देखिए यहीं पर हम मार्क कर लेते हैं, इफ फ्रॉग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड चेन देन स्नेक्स विद स्टाफ, स्नेक्स में क्या होगा, स्टारवेशन, स्नेक्स विल अंडरगो स्टारवेशन, उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम ग्रास हॉपर पॉपुलेशन
विल इंक्रीज, करेक्ट, दिस विल डिस्टर्ब, फूड चेन एंड इकोसिस्टम। एट द सेम टाइम हम एक और चीज़ देखते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। अच्छा चलो, एक आपकी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गॉड हैज़ मेड अनदर थिंग कि बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ आपस में इंटरैक्ट करती हैं। लाइक हम यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल, प्लांट्स हैं आपके, इसको डियर ने खाया, प्लांट्स को डियर को लायन ने खा लिया, करेक्ट। दूसरा लेते हैं, प्लांट्स हैं हमारे, यहाँ आ गया आपका ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड लास्ट में क्या है, ईगल। तीसरा एक और ले लेते हैं प्लांट्स, यहाँ ले लेते हैं आपने स्पाइडर, फिश एंड देन स्वान, राइट। अब क्या होता है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि ये फूड चेन ऐसे ही चलती रहेगी, ये ऐसे ही चली। स्नेक जो है वो फिश भी खा सकता है, वो स्वान भी, स्वान को भी ले सकता है या स्पाइडर को भी ले सकता है, स्नेक डियर भी खा सकता है। हाँ ऑब्वियसली आपने देखा ना स्नेक के बड़े बड़े, वो क्या कहते हैं उसको, कोबरा टाइप्स, दे कैन। फ्रॉग जो है वो नहीं उसको ले सकता, लेकिन फ्रॉग स्पाइडर को खा सकता है। सो देर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स टू मेंटेन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। इसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब, सॉरी दिस इज नॉट स्पाइडर, दिस इज स्कॉर्पियो। सो इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स टू मेंटेन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज फूड वेब। ऑल्सो वी कैन डिफाइन दिस एज द नेटवर्क formed by various food chains which are interconnected with each other is called फूड वेब, राइट। अब इन फूड चेन्स को कुछ नाम दिए जाते हैं बच्चों, हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। दी आपके प्लांट्स, ग्रास हॉपर, टू फ्रॉग, टू स्नेक, टू ईगल, दिस इज नोन एज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डिफाइन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए वो इकोसिस्टम जिसमें ये फूड चेन बनेगी उसे हम बोलते हैं ग्रासलैंड। दूसरा आप देखेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है आपके पास, प्लांट्स, देन यू कैन टेक एनी green plants, that is your deer, and then this deer is taken up by the lion. क्योंकि यहाँ पर graze कर रहा है plant के ऊपर, तो this is called as grazing food chain, correct? एक और food chain है which is called as detritus food chain. इस food chain में क्या हो रहा है बच्चों, the food chain starting from starting from dead organic matter being consumed by microorganisms which
in turn is eaten by other predators. Other predators. This is called as a detritus food chain. So अलग अलग नामों से बोली गई है, दो तीन आपको याद होनी चाहिए. इसी तरह से पानी के अंदर जो है that is called as food. तो जो आपने यहाँ पे देखी, जैसे ये है प्लांट्स हैं, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज एक्वेटिक प्लैंकटन्स, दीज आर दी प्लैंकटन्स. ठीक है, ये प्लैंकटन्स जू प्लैंकटन्स ने लिए. देखो यहीं पे लिख लेते हैं, इन अ केस ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड में क्या होगा, वी हैव फाइटो प्लैंकटन्स, दीज आर ईटन बाय द जू प्लैंकटन. This is zooplankton is eaten by small fish and a small fish is eaten by a fish. Now this is known as in case of a pond. Similarly, आपने जो हम लोग usually देखते हैं ये grazing food chain जो है, ये आपके forest, एक forest में भी एक example है grazing food chain. ठीक है, अब food chain की कुछ खास properties होती हैं. Properties क्या है कि आप देखोगे हर चीज़ में हमने single arrow लगाया, reversible तो नहीं. प्लांट phytoplanktons को zooplankton ने खा लिया, क्या ये पॉसिबल है कि जू प्लैंकटन वापस आपको फाइटोप्लैंकटन दे दे या फाइटोप्लैंकटन जू प्लैंकटन को खा जाए? नहीं ना, पॉसिबल. इसका मतलब दी फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट follows certain features. वो फीचर्स हमारे क्या हैं? हमारे फीचर्स ये हैं कि अगर ये मेरी फूड चेन है बच्चों, जिसके अंदर हम पहले ले रहे हैं प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास आता है सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है आपका? कार्निवोर्स. और टॉप कंज्यूमर को हम क्या कहते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स. डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व द चेन कैन बी लिटिल लॉन्गर ऑल्सो, बट यूजुअली इसमें 4 to 5 मेंबर ही आपको एक फूड चेन में मिलते हैं. ठीक है, सो फीचर क्या है? सबसे पहली बात, द ग्रीन प्लांट्स और दी सिंपल प्लांट्स यू कैन से कैप्चर ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन देम. यानी कि सनलाइट जो प्लांट्स तक पहुंच रही है उसमें से टोटल एनर्जी में से सिर्फ 1% ही प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं टू फॉर फोटोसिंथेसिस. करेक्ट. नंबर टू, अब देखो आप ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये आपने फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन देम फॉर फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. राइट. नंबर टू, When these plants are eaten up by or consumed by primary consumers, then on an average only 10% of energy is transferred to next level of the food chain, of a food chain. Correct? So, इसे हम बोलते हैं बच्चों 10% law.
बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, इस पे आप क्वेश्चन लेके चलिए आना ही आना है, ठीक है। सो व्हाट इज 10% लॉ? दैट व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कंसिडर ईटन अप बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी एट ईच ट्रॉफिक लेवल 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द फूड चेन। सो आप ये यहाँ पर कह सकते हो, व्हाट इज 10% लॉ? 10% लॉ स्टेट्स दैट ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल एंड 90% एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। करेक्ट, इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट प्लांट्स हैव 100 जूल ऑफ एनर्जी, मान के चलते हैं, ठीक है। देन प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी मिलेगी और हर्बीवोर्स को कितनी एनर्जी मिलेगी? ओनली 10% ऑफ दिस, यानी 10/100 × 200। 10% लॉ का मतलब यही हुआ, इट विल बी कैंसल्ड, माने 10 जूल। यानी अगर प्रोड्यूसर्स के पास 100 जूल एनर्जी है तो प्राइमरी कंज्यूमर को 10 ही मिलने वाली है। तो आप सोचिए सेकेंडरी कंज्यूमर को कितने मिलेगी? 1, और ऊपर कितनी जाएगी? 0.1। करेक्ट, इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस एट ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज एट ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एग्जाम्पल देखते हैं इसको और इलेबोरेट करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आता है इसमें? वो कहता है कि टॉप कंज्यूमर के पास 10 जूल एनर्जी है, लेट दी टॉप कंज्यूमर हैज 10 जूल एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय प्रोड्यूसर्स? 10% लॉ है, यानी ईच ट्रॉफिक लेवल पे 10% डिक्रीज कर रही है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज करेगी। तो 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा? इसमें आप 90% ऐड कर दीजिए। करेक्ट, 100 का 10% कितना होगा? 10। तो यहाँ कितनी होनी चाहिए? 100 जूल। यहाँ कितनी होनी चाहिए? 1000 जूल्स। और यहाँ 10,000 जूल्स। यकीन नहीं आता, चलिए उल्टा करके देखते हैं अब इसको। लेट प्रोड्यूसर्स हैव 10,000 जूल एनर्जी, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ टर्शरी कंज्यूमर, ये अलग 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 क्वेश्चन दे दिया। प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी है? 10,000। तो यहाँ लिख लें हम लोग, प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर, ही इज टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर, ध्यान रहे टर्शरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर लिखना है पहले, देन सेकेंडरी लिखना है एंड देन टर्शरी, ठीक। वो कहता है इसके पास कितनी है? 1000 जूल एनर्जी। इसका 10% ही प्राइमरी को मिलने वाला है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 1000 × 10% ऑफ 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 से 10 कट गया, बच्चे कितने? 100 जूल। इसके पास 100 जूल रह जानी चाहिए। ओके, 1000 है ना, 10,000 कर लेते हैं, 10,000 है, ओके। सो नाउ 10,000 का मतलब 1000 रह जाएगी। अब देखिए सेकेंडरी के पास क्या होगा, 1000 का 10% इसको मिलेगा, कितना हो जाएगा 10%? 100 जूल। 100 जूल का 10% निकाल लीजिए, कितना रह गया? 10 जूल। Doesn't it make the synchronized? ऊपर से नीचे आ रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो, रूल सेम लगने वाला है। 10,000 का 10% 1000 का 10% 100 का 10% 10, ठीक है।
प्रोड्यूसर्स में निकाला था, हमने ऐसे निकाल लिया, उल्टा निकाला है तो आप 10% है, 10% क्या, 10 जूल का मतलब क्या है, इट इज 10% ऑफ समथिंग, 10% ऑफ समथिंग, देखिए 10% ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, सो दिस इज व्हाट 10/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, व्हाट इज गोइंग टू बी एक्स, 1000 डिवाइडेड बाय 10, देखिए कितना आ गया, 100 जूल, इज इट 100 जूल, क्लियर है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, सिंस हमने देखा सिर्फ 10% ही ऊपर जा रही है, सिंस वेरी लिटिल एनर्जी इज रीचिंग नेक्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन, देयरफॉर ईच फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप्स, रेयरली किसी में आपको 5 में मिल जाएंगे, बट यूजुअली इट विल कंटेन 3 or 4 स्टेप्स ओनली। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो मच दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4th ट्रॉपिक लेवल। तो कई बार इसमें क्वेश्चन क्या आता है, वाई अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप्स, सो आपको ध्यान रखना है, ईच फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो मच दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी इज अवेलेबल आफ्टर 4th ट्रॉपिक लेवल, इसीलिए हमारी छोटी ही फूड चेन मिलती है। नंबर 4, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज मोर एट लोअर ट्रॉपिक लेवल्स एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ प्रोड्यूसर्स, सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको, प्रोड्यूसर्स, एंड लोएस्ट नंबर किसका मिलेगा आपको, टॉप कंज्यूमर का। सो ये क्वेश्चन भी आपका 1 mark में बनता है, विच एट विच लेवल द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल विल बी फाउंड एंड विच लेवल विल कंसिस्ट ऑफ लोएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे अबाउट द फूड चेन, सिंस ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर वेरियस फूड चेन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए फूड वेब। करेक्ट, जैसे ग्रास खाई रैबिट ने, रैबिट को खा गया लायन, करेक्ट, सिमिलरली ग्रास खाई डियर ने, डियर को खा गई वॉल्फ, वॉल्फ के बाद कोई और उसको खा जाएगा, ठीक है, सो टाइगर तो सबको खा ही रहा है, सो दीज आर द डिफरेंट फूड चेन दैट कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड एज फूड वेब, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड वेब, क्यों चाहिए हमें ये फूड वेब, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि 2 or 3 लोग खा जाते हैं एक बंदे को या एक ऑर्गेनिज्म को, तो उसे फूड वेब कह दिया, लेकिन इसके फ़ायदा क्या है। सबसे पहली चीज़ स्टारवेशन,
स्टारवेशन, ठीक है, फूड वेब डज नॉट अलाउ पॉपुलेशन टू स्टार्व बिकॉज ऑल्टरनेट फूड कैन बी टेकन फ्रॉम अदर फूड चेन्स. तो कोई भी ट्रॉपिक लेवल पे, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टार्व नहीं करेगा. नंबर टू, चेकिंग ओवर पॉपुलेशन. चेकिंग ओवर पॉपुलेशन एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन अ गिवन फूड चेन, ड्यू टू ए मिसिंग ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म. एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन अ गिवन फूड चेन ड्यू टू मिसिंग ट्रॉफिक लेवल. फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था कि प्लांट्स हैं, आपका रैबिट है और इसको आपने, इसका आपका लाइन खा गया. अगर मान लीजिए रैबिट ना हो, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, प्लांट्स इंक्रीज कर जाएंगे. सो इनकी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए वी हैव अनदर फूड चेन, यानी कि इनको कौन खा जाएगा, लेट अस से ग्रास हॉपर. अनदर फूड चेन में डियर, ठीक है. सो अगर रैबिट नहीं है तो डियर खा जाएगा, ग्रास हॉपर खा जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू चेक द ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू अ मिसिंग ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है. इट अलाउज एंडेंजर्ड पॉपुलेशन टू ग्रो इन साइज, राइट. नंबर फोर, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम. जब पूरी फूड चेन सारी चलती रहेंगी ठीक से, सो इट विल हेल्प अस इन द स्टेबल पॉपुलेशन, राइट. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अ फूड चेन एंड द फीचर्स ऑफ अ फूड वेब. नाउ लेट अस गो टू द एनर्जी फ्लो डायग्राम. हम 10% रूल की बात कर रहे थे. एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या कहता है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है इसमें. देखिए, सनलाइट थी, सूरज की रोशनी, उससे वो प्लांट्स ने ली, प्लांट्स से वो पहुंची कहाँ, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर कहाँ गई, सेकेंडरी, और फिर कहाँ गई, टर्शरी, करेक्ट. दिस इज हाउ इट एनर्जी इज फ्लोइंग. सो नाउ दिस एनर्जी फ्लो डायग्राम शोज दैट नंबर वन, energy flow in a food chain is unidirectional, correct. it is unidirectional, यानी कि एक ही direction में इसने होना है. और दूसरा concept है बच्चों, that is the biological magnification. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. एनर्जी फ्लो डायग्राम से दो चीज़ें समझ में आ रही है. एनर्जी भी ऐसे ही फ्लो कर रही है. अगर कोई भी चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स में आ गई तो वो धीरे धीरे ऊपर चलती जाएगी, डिग्रेड तो होनी नहीं, सो टॉप कंज्यूमर तक वो एक्यूमुलेट हो जाएगी. दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. जैसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं इसकी, दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल components or the compounds or substances, non-biodegradable substances accumulate
accumulate progressively at each trophic level and at each trophic level and the maximum concentration of these harmful chemicals is found in top consumers. और top consumers में कौन है सबसे पहले? For example, हम लोग human beings. This phenomenon is known as biological magnification या bio magnification के नाम से भी जानते हैं. Is known as bio magnification या biological magnification, दोनों नाम से इसको हम जानते हैं. करेक्ट. लाइक मान लीजिए आपका पेस्टिसाइड्स हमने डाले, ठीक है, कहाँ पे डाल रहे हो? इन क्रॉप फील्ड. हमें पता है कि पेस्टिसाइड जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. करेक्ट. अपने आप को होता नहीं. NBD माने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. क्रॉप फील्ड में डाला, यहाँ से कहाँ गया? सॉइल में. सॉइल से कहाँ पहुँचा? प्लांट्स में. प्लांट से कहाँ पहुँचा? हर्बीवोर्स में. डिकम्पोज तो इसने होना नहीं, डिग्रेड इसने होना नहीं, सो प्लांट्स को हर्बीवोर ने खाया. जितने ज़्यादा प्लांट्स खाएंगे उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा. हर्बीवोर्स को किसने खाया? कार्निवोर्स ने. अब ये तो है नहीं कार्निवोर एक हर्बीवोर खा के बैठ जाएगा या एक रैबिट को एक लायन खा के बैठ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं रहा. कार्निवोर्स को कौन खा रहे हैं? ओमनीवोर्स. अब ओमनीवोर्स के अंदर कार्निवोर में जो एक्यूमुलेट था वो भी आया, हर्बीवोर में जो था वो भी आया, प्लांट्स में जो था वो भी आ गया. करेक्ट. इसका मतलब ओमनीवोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन मिलेगी किसकी? पेस्टिसाइड्स की. मान लीजिए यहाँ P1+ था, यहाँ P2+ हो गया, P3+ हो जाएगा, ये P4+ हो गया और यहाँ P+5 हो गया, मान के चल रहे हैं. सो देर इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स इन दी टॉप कंज्यूमर्स. सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स हैं लाइक वीट है, राइस है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनके ऊपर जो हम ली केमिकल्स स्प्रे करते हैं, एनी टाइप ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जितने भी कर रहे हैं, दे कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स. तो पेस्टिसाइड कम से कम यूज़ करना ही एक ऑप्शन है. ऐसा नहीं है कि उनको धो लेंगे, गर्म कर लेंगे या कोई और मेथड यूज़ कर लेंगे तो पेस्टिसाइड चले जाएंगे. हाँ, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, बट स्टिल द बेस्ट मेथड इज़ टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. अच्छा एक चीज़ बताइए, ओमनीवोर को खा लिया, ओमनीवोर को कौन खाता है? ह्यूमन बींग्स को कौन डिग्रेड करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो आप लिख सकते हो टॉप कंज्यूमर्स आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डीकम्पोजर्स. देखा है ना, डेड बॉडीज को, अगर कोई भी डेड बॉडी हो लाइक फॉर एग्जाम्पल रैट की ले लो आप, उसे अपने मिट्टी में दबा दिया, एनी एनिमल यू टेक उसको मिट्टी में दबा दिया, तो मिट्टी में दबाने से क्या हो रहा है? डिकम्पोजर्स आर गोइंग टू कन्वर्ट दैम इनटू फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर टू इनऑर्गेनिक मैटर. आपने कार्बन साइकिल पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ा है ना, तो उसमें क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है. ऑर्गेनिक मैटर क्या थे? प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स, दे आर इनऑर्गेनिक, लेकिन बने कहाँ से? ऑर्गेनिक मटेरियल से, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दिस इज एन एग्जाम्पल, fossil fuels, these are being decomposed by the decomposers. यहीं पे हम देख लेते हैं what is the role of decomposers. अभी तक आए नहीं थे,
दीज आर द अनसेड हीरोज. फॉर एग्जाम्पल आपके बैक्टीरियाज हैं या आपके फंजाइज हैं. नाउ दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बाई यूजिंग वेरियस एंजाइम्स दे आर गोइंग टू कन्वर्ट एन ऑर्गेनिक वेस्ट. दे वर्क ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट क्योंकि हमारी बॉडी में भी देखो खाना डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड सर्टन बैक्टीरियाज एंड एंजाइम्स. कुछ फंगस चाहिए, कुछ बैक्टीरिया एंजाइम्स चाहिए. नाउ दीज एंजाइम्स एंड बैक्टीरियाज आर गोइंग टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट. क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू ब्रेक इट इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक, ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय सेप्रोफाइट. सेप्रोफाइट्स कौन से क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स. ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड बॉडीज, सो दीज आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स. और ये सेप्रोफाइट्स करते क्या हैं, दे कन्वर्ट इट इन टू अर्थ फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी मिट्टी बना देते हैं. ठीक, फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स, सो अर्थ फॉर्मिंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर तो उसको ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि मिट्टी. इसीलिए सो सेप्रोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, सेप्रोफाइट्स भी क्या है, डीकम्पोजर्स ही हैं, आर कॉल्ड नेचुरल स्केवेंजर्स. सो डीकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल स्केवेंजर्स. करेक्ट. नाउ लास्ट टॉपिक में हम देखते हैं हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट. बहुत सारी हैं, है ना, सोच के देखिए. हम कोई कोई चीज़ नहीं छोड़ते ऐसी जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट ख़राब ना हो. तो आप सोचिए सबसे पहला हमारी एक्टिविटीज़ में क्या है. हम सबसे पहले बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट. हम बहुत ज़्यादा एसीज रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, सो सीएफसीज आर रिलीज्ड. हम बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ कर रहे हैं, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी चीज़ों को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं. एट द सेम टाइम हाउ वी आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट. अब ये वेस्ट दोनों तरीके का है, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी. नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे किचन वेस्ट, पेपर बायोडिग्रेडेबल है ना, देन प्लांट्स. हम ढेर लगा के खड़ा कर देते हैं, बारिश आती है, गंदे करता है, और फिर इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं. दिस कैन कॉज डिजीजेस, फाउल स्मेल एंड कैन लुक फिल्दी, गंदा लग सकता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल में देखिए सबसे बड़ी बात है प्लास्टिक, पॉलीथीन, दीज आर द मेजर कंसर्न्स. ठीक, इन वजह से क्या हो रहा है, बायो मैग्निफिकेशन. ठीक, इसकी वजह से बायो मैग्निफिकेशन हो रही है विच इज़ हार्मफुल फॉर दी ऑल दी ऑर्गेनिजम्स. सो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे. पहली बात करते हैं हम ओजोन की. ओजोन का मॉलिकुलर फॉर्मूला O3. वी नो इट इज़ अ पॉइजनस गैस, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों, बिकॉज इट प्रिवेंट्स यूवी रेज टू रीच अर्थ. अगर यूवी रेज आ जाएंगी तो क्या होगा, यूवी रेज की वजह से क्या होता है, यूवी रेज कॉज पहली चीज स्किन कैंसर, दूसरी चीज कैटरैक्ट. आपने सुना है आंखों का मोतिया, वो बहुत ज़्यादा होने लग गया बिकॉज ऑफ दी यूवी रेज दैट आर रीचिंग अस, क्योंकि ओजोन की लेयर डिप्लीट हो गई है. ओजोन लेयर मिलती कहाँ है, ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर. करेक्ट,
अब देखते हैं ओजोन बनता कैसे है। देखिए ओजोन के लिए सबसे पहले दो रिएक्शन में हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो टूट के दो ऑक्सीजन के एटम बनाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो ओ प्लस ओ, दोनों का मतलब एक ही है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, सो यूवी रेज जो सन से आती हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को स्ट्रेटोस्फीयर में दो ऑक्सीजन में तोड़ देता है। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो बची हुई ऑक्सीजन है ये किसी और ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करती है एट वेरी लो टेम्परेचर, ये इम्पॉर्टेंट है, टू प्रोड्यूस ओ थ्री दैट इज़ द ओजोन। अब दिक्कत क्या है, यूवी रेज तो आ रही हैं सन से, ऑक्सीजन टूटे जा रहा है, टेम्परेचर अगर हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाई होगा तो ओजोन बनेगा नहीं क्योंकि इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए लो। सो ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग, एंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ओ टू प्लस ओ गिव्स अस ओजोन डू नॉट हैपन। यानी ये रिएक्शन आपकी रुक गई है, ठीक है। सो ओजोन की फॉर्मेशन रुक गई, सो ओजोन फॉर्मेशन डू नॉट अकर। राइट, सो ओजोन डैमेज हो रही है। मेजर कॉज क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस कौन सी है, हमें पता है इट इज़ CFC, सबसे पहली जो हमारे फ्रिज में से और ACs से निकलती है, हैलोजन्स, इन सर्टन फॉर्म्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, देन योर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, क्लोरोक्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज ऑल गैसेज आर नॉट अलाउइंग दिस टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड, दिस इज कॉजिंग राइजिंग इन टेम्परेचर, सो ओजोन इज डिप्लीटिंग। सो फॉर दिस वॉट एक्शंस हैज बीन टेकन, एक्शंस क्या है, सबसे पहला है यूनेप। वॉट इज यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये कब बना था बच्चों, ये बना था 1987 में, ठीक है। टारगेट क्या था, टारगेट वॉज इट वॉन्टेड टू फ्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, इट वॉज टारगेटेड टू फ्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CFC टू वॉट इट वॉज इन 1986, यानी प्रीवियस ईयर में CFC का जो भी लेवल था वो वहीं पे उसको फ्रीज करने की एक उन्होंने प्रण धारा था। दे डिसाइडेड कि हम इतने 1986 में जितना CFC है बस वहीं पर उसको कंप्लीट करेंगे, वहीं तक रोकेंगे, इससे आगे इसको नहीं जाने देंगे। एंड दिस यूनेप जो 1987 में बना ये कब साइन हुआ था, इट वॉज साइंड ऑन December 19 in the same year. Okay, it was signed on not on December 19, it was in 16th of September. 16th September 1987 mein ye sign kiya gaya tha, and in the year 2000 yani in the year 2 December 19 2000 mein 16 September was declared as International Ozone Layer Preservation Day. So, वन मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल ओजोन प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन डे कब है, इट इज 16th ऑफ सेप्टेम्बर and it was declared on December 19, 2000 that we will celebrate 16th of September as International Ozone Preservation Day. दूसरी चीज़ आती है how we can prevent this garbage that we are producing. So the managing garbage produced, बहुत simple तरीका है,
आप पढ़ेंगे दैट इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ वेरियस आर्स. सो 3 आर का रूल अप्लाई किया जाए. वॉट इज़ दिस 3 आर? रिफ्यूज, रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस एंड रीयूज. माने पहले पॉलीथिन्स को रिफ्यूज़ कीजिए, प्लास्टिक को रिफ्यूज़ कीजिए, नहीं यूज़ करेंगे. अगर मान लीजिए यूज़ करना ही पड़ रहा है तो कम से कम यूज़ कीजिए. और अगर कम से कम भी यूज़ कर रहे हैं तो जो यूज़ कर रहे हैं बॉटल्स बन रही हैं उसको रीयूज़ कीजिए, सो दैट वी कैन रिड्यूस द पॉल्यूशन. सो रीयूजिंग. और एक और आर होता है, दैट इज़ द रिसाइकलिंग, कि अगर कर ही लिया तो उसको रिसाइकिल कर लीजिए. बट रीयूजिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन देन रिसाइकलिंग. वाई सो? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड कॉजेज नो पॉल्यूशन. मैनी हार्मफुल गैसेस आर रिलीज्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग, इसीलिए रिसाइकलिंग से बेहतर है रीयूज करना. अब देखो आपके सामने एक बड़ी एग्जाम्पल आई होगी कि पहले जो है डिस्पोजेबल कप्स बहुत यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. अब डिस्पोजेबल कप्स तो हम सब जगह यूज़ कर रहे हैं. दे कैन बी ऑफ प्लास्टिक, दे कैन बी ऑफ पेपर एंड दे कैन बी ऑफ सॉइल और मड, जिन्हें हम बोलते हैं कुल्लड़. ठीक, देखिए प्लास्टिक को यूज़ करेंगे तो व्हाट विल हैपन? बायो मैग्निफिकेशन. ड्रॉबैक बता रही हूँ आपको, डिस्पोजेबल कप यूज़ करने का ड्रॉबैक क्या है प्लास्टिक के कप यूज़ करने का? बायो मैग्निफिकेशन. मिट्टी के कुल्लड़ यूज़ करेंगे तो लॉस ऑफ टॉप सॉइल, टॉप फर्टाइल सॉइल, टॉप लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल यूज़, हमारी सॉइल इरोजन हो जाएगी. सब पेपर का कप यूज़ कर रहे हैं, बट इसका भी एक ड्रॉबैक बच्चों, दैट इज़ द डीफॉरेस्टेशन. करेक्ट. बट टू यूज़, फिर वही बात आ जाती है कि डिस्पोजेबल कप्स भी अगर आपने यूज़ करने हैं तो सबसे पहले रिड्यूस, रिफ्यूज़ कीजिए. हमें करना ही नहीं, हम स्टील यूज़ कर लेंगे, कांच यूज़ कर लेंगे, विच कैन बी रीयूज्ड. रिफ्यूज़ कीजिए, प्लास्टिक के कप मत लीजिए, पेपर के कप मत लीजिए, रिड्यूस कीजिए, या फिर उसको आप रीयूज़ कीजिए, या फिर उसको आप रिसाइकिल कीजिए. करेक्ट. सो DIY जो आप करते हैं आजकल, डू इट योरसेल्फ, जिसके अंदर आप वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकालते हैं, दैट इज़ अनदर मेथड ऑफ मैनेजिंग द वेस्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग. करेक्ट. दिस इज़ ऑल वी नीड टू डू अबाउट इन दिस चैप्टर बच्चों. विद दिस वी एंड दिस चैप्टर ऑफ आर एनवायरनमेंट. आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए एंड ऑल द बेस्ट.